हेलो स्टूडेंट्स, इस सेकंड अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 27 कराऊंगा। अपनी बुक में ये क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे पास, ओल्ड बुक है ये, एक साल पुरानी। शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सुनील की ये बुक्स है और हमारे पास इसकी 14 ट्रांजेक्शंस, राइट। ये क्वेश्चन आप निकाल लो, मैं इसका सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। एक बार ये क्वेश्चन आप सारे रीड आउट कर लो, इसके 14 पॉइंट्स, इसको मैं वन बाय वन पॉइंट्स आपकी नोटबुक में मैं कराता हूँ, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वही फॉर्मेट खींच लो जैसे नॉर्मल मैंने आपको सिखाया था, फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे पास, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट हमारे पास क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शंस, क्लियर, उसके बाद एसेट्स, और उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको आप क्लोज कर दो। सीरियल नंबर का सबसे छोटा कॉलम, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ नंबरिंग करनी है। ट्रांजैक्शन का भी छोटा सा कॉलम, उसके बाद सबसे बड़ा कॉलम आप एसेट्स का बनाओ, उसके बाद एसेट्स के बाद लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। चलिए, सबसे पहली ट्रांजेक्शन आप अपने क्वेश्चन में देखिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुनील ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो पहला ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस स्टार्टेड। आपको ट्रांजेक्शन में सिर्फ थोड़ा सा नरेशन लिख के बतानी है कि आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे हो, राइट। बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश, कितना कैश है 150, राइट। तो कैश कितना है 150, तो आप यहाँ पे कैश का कॉलम बनाएंगे। इसको फिर से आप क्लोज कर देंगे एसेट्स के लिए बाद। 150 का कैश आया है और कॉरस्पॉन्डिंग क्या बढ़ गई बताओ, लाइबिलिटी बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। सेकंड देखिए अपने क्वेश्चन में, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। उसने बैंक अकाउंट खुलवाया है पैसे दे करके, यानी उसने बैंक में 25,000 रुपये दिए और उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया, राइट। तो यहाँ पे आप लिखिए अकाउंट ओपन्ड, आपने अकाउंट ओपन कराया बाय कैश, कैश दे करके। यहाँ पे एक नया कॉलम बनाओगे आप बैंक का, कितने रुपए से अकाउंट खुलवाया आपने, 25,000, बैंक में 25 आ गया और कैश में से 25,000 ब्रैकेट माइनस, क्लियर, क्लोज कर दो। ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन, माइनस कर दीजिए 150 माइनस 25,000 का बैंक बैलेंस और 150 की आपकी कैपिटल, क्लियर। थर्ड देखिए अपनी बुक में, ये सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन की। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड द बैंक अकाउंट इन द बैंक अकाउंट। उसने अपनी पर्सनल कार बेच ली है और जो पैसे आए थे उसने बिजनेस के खाते में डाल दिए बैंक अकाउंट में, राइट। तो यहाँ पे लिखिए सोल्ड पर्सनल कार एंड मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या हुआ, कार बिक गई और मनी डिपॉजिट कहाँ हो गया, बैंक में। कितने की कार बिक गई, 50,000 की। तो बैंक कॉलम में आपका कितना आ गया, 50,000 प्लस, और साथ साथ आपकी क्या बढ़ गई, कैपिटल। यहाँ पे आप कैश ऐड मत करना, कैश आपके पास आए थे आपने उसको सीधा बैंक में डाल दिया बिजनेस की, ठीक है। और साथ में बिजनेस क्या बढ़ गई, कैपिटल। जितनी ट्रांजेक्शन है आपको बिजनेस के एंगल से देखनी होती है, राइट। न्यू इक्वेशन, कैश में कोई चेंज नहीं 125, बैंक आपका हो गया 75, कैपिटल आपकी हो गई 2 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर
फॉर 150। बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों एक साथ खरीद लिए हैं, अब अलग अलग तो दिया नहीं है, तो आप एक कॉलम बना लो एसेट्स में, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग एंड फर्नीचर मैंने एक साथ बना लिया है क्योंकि अमाउंट अलग अलग नहीं दिया। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर ट्रांजेक्शन नंबर 4, तो लिखिए परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कितने में बिल्डिंग एंड फर्नीचर लिया उसने? 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कैश में लिया है बैंक में, तो मैं देखता हूँ अमाउंट कहाँ पे ज़्यादा है। कैश में ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपने कैश से पे किया होगा, तो कैश में से माइनस कर दो 1 लाख और बिल्डिंग के सामने आप लिख दीजिए 1 लाख, राइट। नो चेंज इन कैपिटल, न्यू इक्वेशन कितनी हो गई? न्यू इक्वेशन बताओ, 125 माइनस 1 लाख 25,000, बैंक में कोई चेंज नहीं 75, बिल्डिंग 1 लाख और आपके पास कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए आगे, नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है देखिए अपनी बुक में ही, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स परचेज किया राम से क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब हमने उसको जो बेचा, हमने उससे जो परचेज किया है वो उधार किया है, हम उसको बाद में पैसे देंगे। तो बाद में पैसे देने का मतलब क्या बन गया? लायबिलिटी बन गई, राइट। तो यहाँ लिखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स लिया है तो आपका नया कॉलम बनेगा स्टॉक का। आपका नया कॉलम क्या बन गया? स्टॉक का। कितने का गुड्स लिया आपने? 50,000 का। तो यहाँ पे लिखिए 50,000 और साथ में लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, तो 50,000 के क्रेडिटर, राइट। इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, राइट। कैश में कोई चेंज नहीं, आउटफ्लो हुआ ही नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं, बिल्डिंग सेम और आपके क्या हो गया? स्टॉक आ गया, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई और कैपिटल सेम 2 लाख, कैपिटल सेम 2 लाख, राइट। यहाँ तक क्लियर हमारे पास, यानी इक्वेशन तक क्लियर हो गया आपके पास। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन आ गया सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है देखो, आप अपनी बुक में देखिए, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन कहती है कि ही पेड कार्टेज, आपने कार्टेज का खर्चा पे किया है, तो बहुत मामूली खर्चा है, पेड कार्टेज खर्चा है ये, सिंपल। कैश में से माइनस कर दो 500 और कैपिटल में से माइनस कर दो 500, आपका ये नॉर्मल खर्चा हो गया, कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस, न्यू इक्वेशन। कितना हो गया ये? 250 माइनस 500, 249, 500, 75,000 का बैंक, 1 लाख की बिल्डिंग, 50,000 का आपका स्टॉक और लायबिलिटी में तो कोई चेंज ही नहीं 50, और कैपिटल हो गई आपकी 2 लाख, 2 लाख माइनस 500, 199,500। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या कहती है? ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। आपने सामान बेचा है, 6,000 का सामान 9,000 में बेच दिया आपने, आपने 6,000 का सामान 9,000 में बेच दिया प्रॉफिट पे। तो जितना प्रॉफिट हुआ आप उसको तुरंत कैपिटल में ऐड कर दो। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। 3,000 आप प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दो। कितने का सामान बिक गया आपका? 6,000 का, आप स्टॉक में से माइनस कर दो। क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है श्याम ऑन क्रेडिट, पैसे नहीं मिले, तो फिर से आप एक नया एसेट्स बनाओ यहाँ पे स्टॉक के पास। मेरे पास स्पेस कम है, आप यहाँ पे बगल में लिखिए अपनी कॉपी में डेटर्स, राइट। डेटर्स के कॉलम में कितना आप एसेट्स क्रिएट करेंगे? 9,000 के आपके पास क्या क्रिएट हो गए? डेटर्स। क्लियर। यहाँ पे लिख दीजिए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 6,000 का सामान 9 में बेचा, 6 स्टॉक में से माइनस, 9,000 के डेटर्स और 3,000 का क्या बन गया आपका? प्रॉफिट। क्लियर। चलो न्यू इक्वेशन कर दो इसको। न्यू इक्वेशन में कैश तो 249,500, कोई चेंज नहीं, 75,000 का बैंक, 1 लाख की बिल्डिंग, स्टॉक 50 माइनस
644 और 9000 का क्या हो गया आपका डेटर्स, 50,000 की लाइबिलिटी और आपकी कैपिटल हो गई 199-3 196,500। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेट में इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, सेम वही ट्रांजेक्शन, उसके बाद एसेट्स का थोड़ा सा बड़ा और लाइबिलिटी और कैपिटल, राइट। हमारे पास अब ट्रांजेक्शन नंबर कितनी है आप देख लो, 8th ट्रांजेक्शन नंबर 8th आ गया मेरे पास, ट्रांजेक्शन नंबर 8 पढ़ लो आप अपनी बुक से। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या कहती है, रिसीव रेंट फ्रॉम द टेनेंट्स, आपने किराएदार से अपना क्या कलेक्ट किया है, किराया कलेक्ट किया 1000। तो सिंपल रेंट रिसीव है ये आपका, रेंट रिसीव तो कैश में जोड़ दीजिए और कैपिटल में जोड़ दीजिए, सिंपल कैश प्लस कैपिटल प्लस न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन देख लीजिए कितनी हुई, 249,500 का क्या था आपके पास, 249,500 का पुराना कैश था, इसमें से 1000 आपके ऐड हो गए तो ये हो गया 250,500। बाकी सारी चीज़ें कॉपी कर दो आप, मैं फिर आपको एज दिखाता हूँ, बाकी सेम कॉपी कर दो, बैंक सेम, बिल्डिंग सेम 1,00,000, 44,000 का स्टॉक और 9,000 के क्या हो गए डेटर्स, लाइबिलिटी भी सेम 50, कैपिटल कितनी हो गई आपकी 196,500 थी पहले, 1000 ऐड हो गया तो 197,500। देख लो यहाँ पे, देख लो सिर्फ कैश और कैपिटल में चेंज करना था, बाकी सारी चीज़ें मैंने कॉपी कर दी पिछली इक्वेशन से, तो 1000 यहाँ ऐड, 1000 यहाँ ऐड, राइट। करें आगे ट्रांजेक्शन नंबर 9, ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या कहती है, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम दी टीनेंट्स, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम दी टीनेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, आपने किराएदार से क्या वसूल लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए एसेट है, सॉरी लाइबिलिटी है आपके लिए, क्यों, क्योंकि आपको ये देनी पड़ेगी किराएदार, किराएदार आपके पास रहने के लिए आता है तो आप उससे सिक्योरिटी ले लेते हो जो उसको आप बाद में वापस करोगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो 9th देखो, रिसीव्ड सिक्योरिटी फ्रॉम टीनेंट, राइट, किराएदार से आपने क्या ले लिया, सिक्योरिटी ले ली, कितनी ले ली 1500 रुपये, तो 1500 तो आप कैश में ऐड कर दो, राइट, साथ साथ क्या बढ़ा दो लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपको बाद में किराएदार को देनी पड़ेगी जब वो मकान खाली करेगा। क्लियर? चलिए न्यू इक्वेशन, चलिए 1500 जोड़ दीजिए इसमें आप, तो कितना हो जाएगा 250 में 1500, 250,500 में 1500 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 250,000। क्लियर? उसके बाद सेम 75,000 कॉपीड, 1,00,000, 44,000, 9,000। उसके बाद अब लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी हो गई नई 51,500, कैपिटल सेम 197,500। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, आपने स्टेशनरी परचेज की है, कितने में परचेज की है आपने 100, सिंपल खर्चा है कैश माइनस और कैपिटल माइनस, परचेज स्टेशनरी कितने पर 100 में, कैश माइनस कैपिटल माइनस। चलिए न्यू इक्वेशन कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 251,900, 75,000, 1,00,000, 44,900, 51,500 और ये हो गया 197,400। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए उसके बाद देखिए ये अच्छी एडजस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया पर्सनल, उसने पैसा तो लगाया है लेकिन पर्सनली लगाया है, यानी बिजनेस में कोई अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने पैसा तो बिजनेस से निकाले होंगे, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, ड्राइंग। तो यहाँ पे आप लिखिए इन्वेस्टमेंट तो की है लेकिन कैसी है ये, पर्सनल है, क्योंकि पर्सनल है, ध्यान से समझिए, ये अच्छी एडजस्टमेंट है,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है बट पर्सनल है, तो हमारी ये ड्राइंग्स बन गई। ड्राइंग्स में सिंपल कैश माइनस और कैपिटल माइनस, कैश माइनस और कैपिटल माइनस हम कर देंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कैश भी माइनस कर सकते हो, बैंक भी माइनस कर सकते हो, कन्फ्यूजन है राइट। तो कैश माइनस मैं माइनस कर देता हूँ और कैपिटल माइनस कर दो, बैंक भी आप माइनस कर सकते हो ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो 50,000 आपने पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम ये मानेंगे, और 50,000 की कैपिटल हो गई। अब इसी को दूसरे तरीके समझो, अगर यही इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो हम इन्वेस्टमेंट का नया कॉलम बनाते, क्लियर। इन्वेस्टमेंट का नया कॉलम बनता तो यहाँ पे कैश माइनस होती और इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाती, क्लियर। चल न्यू इक्वेशन देखो क्या आ गया। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास कितना बचा, 201,975,000 सेम, 1,00,000 सेम, 44,000 सेम, 9,000 सेम, लाइबिलिटी 51,500 सेम, और कैपिटल आपकी हो गई 50 माइनस कर दो, माइनस था तो ये हो गया आपका 147,400, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नो। रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, आपको इंटरेस्ट मिला है, नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट मिला, इनकम हो गई, कैश प्लस कर दो और कैपिटल प्लस कर दो, 200 कैश प्लस कर दो, 200 कैपिटल प्लस कर दो, नई इक्वेशन निकाल दो तो कितना हो जाएगा ये 2,01,75,000, 1,44,000, 9,000, लाइबिलिटी सेम, और यहाँ पे 200 जोड़ दो तो 600 हो गया, 147,600। कोई प्रॉब्लम नो। चलिए कंटिन्यू करें, 13 ट्रांजेक्शन पढ़ के देखते हैं क्या बोलता है। 13 ट्रांजेक्शन है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, उसने क्या किया है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। तो सिंपल, फ्रेश कैपिटल में आपने क्या करना है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसमें क्या हुआ, कैश आ गया आपके सामने और बिजनेस में क्या बढ़ गई बताइए, कैपिटल बढ़ गई, तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस साथ साथ ठीक है, कैश प्लस और कैपिटल प्लस यहाँ पे। चल नी इक्वेशन कर दो, नी इक्वेशन कर दो, 25,000 202 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 227,100, सेम 75, सेम 1, सेम 44, सेम 9,000, लाइबिलिटी सेम, और आपकी कैपिटल 25,000 ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 0,0,0,6,0,0,6,0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 ,
डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 500 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए, ये नुकसान हो गया आपका। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर लॉस हो गया। तो इससे क्या हो गया, आपके स्टॉक कम हो गए और साथ साथ आपकी कैपिटल कम हो गई। कैश तो कम हुआ नहीं, आपका स्टॉक खराब हुआ है। तो स्टॉक माइनस कर दो आप, 500 का आपका स्टॉक माइनस हो गया। स्टॉक कितना था हमारा, स्टॉक था 44,000 चला आ रहा है। 50 का हमने लिया था, 6,000 का सेल किया था, वही कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से 44,000 से 500 माइनस कर दो और कैपिटल में से 500 माइनस कर दो, बाकी सब सेम। न्यू इक्वेशन क्लियर सिंपल, 500 माइनस कर दिया, न्यू इक्वेशन कर दो, 227,175,144 माइनस 500, 43,500, 9,000 का ये 51,500 आपकी लायबिलिटी, और वहाँ से 500 माइनस करोगे तो 172,100। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था, 14 ट्रांजेक्शन थी, 3-4 बढ़िया एडजस्टमेंट थी, हमने कर लिया राइट। थैंक यू सो मच।